स्वाट और सर्विलांस की मदद से शाहपुर पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने महिला को गोली मारकर हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध असलाह, कारतूस और मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि 3 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार के ईस्टर्नपुर निवासी कलीमुन्निशाह के ऊपर जानलेवा हमला करने में दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें बिहार का रहने वाला सजा अबदा एक वांछित शूटर भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान नायब अली पुत्र रजाक अली निवासी मोहली थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर और मोहम्मद इफ्तिखार उर्फ गुड्डू मियां पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासी रामधाम मंदिर बघा नंबर 1 के रूप में हुई है। अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा, 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर और 1 हीरो होंडा ग्लैमर गाड़ी भी बरामद हुई है। वहीं इस संबंध में घटना का खुलासा करते हुए एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा कि पीड़ित महिला के पति ने ही 2 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी पत्नी की हत्या कराने का कूटरचित प्रयास किया था। पति पत्नी के बीच काफी दिनों से प्रॉपर्टी और घरेलू हिंसा का विवाद चल रहा था। आरोपी पति ने अपने भांजे नौशाद उर्फ पुतू के मदद से शूटर को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करने के लिए बुलाया था। खुलासा के दौरान सीओ क्राइम प्रवीण सिंह सहित गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल स्वाट, सर्विलांस और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद रही। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, जल्दी आओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी करिए, जल्दी करिए। थोड़ा दूरी बनाइए। संपर्क किया तो पुराना अपराधी तैयार हो गया, 2 लाख रुपए। ये साहिल था, भांजा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नौशाद कुट्टू लास्ट से 3 लाइन देखिएगा, पढ़िएगा। एक्चुअली इसकी बहन की शादी जो है, इसके पति की बहन की शादी इसने बगहा बिहार में किया है, तो ये इसका भांजा भी। आप शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पादरी बाजार में 3 जून की शाम को एक महिला के ऊपर जान से मारने का प्रयास किया गया था। उसमें एक अभियुक्त पहले पकड़े गए थे। उस पूरी घटना का अनावरण करते हुए इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, अन्य 2 अभियुक्तों की, और इनसे उस घटना में प्रयुक्त जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त इसमें पकड़ के आए हैं वो इनके पति ही निकले हैं, जिनके साथ इनका आपसी विवाद चल रहा था, और आपसी विवाद और प्रॉपर्टी को लेकर इनके बीच में ये मनमुटाव था। उसी को लेकर इन्होंने किराए के गुंडे मंगवाए थे और 2 लाख रुपए की फिरौती इन्होंने दी थी इसके लिए कि ये इसके विरुद्ध इनके ऊपर जानलेवा हमला कराया जा सके। तो उसी में से इसमें इनके पति नायब अली और जिसमें मुख्य शूटर थे मोहम्मद इफ्तिखार, जो गुड्डू मियाँ के नाम से जाने जाते थे, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है बिहार में, वो गिरफ्तार किए गए। ये काफ़ी समय से एक्टिव चल रहे हैं और इनके द्वारा ही बताया गया है कि ये पहले हत्या के प्रयास में, लूट में, डकैती में, अपहरण में, जब अपहरण एक समय पे चरम पे था उस समय काफ़ी ज़्यादा अपहरण में लिप्त है, तो कई मुकदमों में इनका नाम है। अभी गोरखपुर में नहीं, इनका बिहार का आपराधिक इतिहास है, बिहार से ही इनको बुलवाया गया था, इनके द्वारा जो इनके पति हैं उनके किसी रिश्तेदार के माध्यम से इनको बुलवाया गया था, और अभी बिहार पुलिस से संपर्क करके अन्य इनके विरुद्ध जितने मुकदमे उसकी डिटेल लिया जा रहा है। उद्देश्य इनका, इनकी पत्नी के साथ विवाद था और जो मकान इन्होंने बना के अपनी पत्नी को दिया था, वो पत्नी उस मकान को खाली नहीं कर रही थी, तो मकान और साथ में जो पुराना इनके बीच में मनमुटाव चल रहा था उसको लेके उद्देश्य का नहीं। इसमें अभी हमने 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं और अन्य जो लोग इसमें उनके विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित करते हुए उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।